नमस्कार, टुडे जुनून देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रिया तोमर। आज हम लद्दाख की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके प्रमुख बिंदु आखिर है क्या। सोनम वांगचुक का खत्म हुआ अनशन, अब महिलाएं शुरू करेंगी दोबारा अनशन। मांग पूरी ना होने पर दोबारा होगा आंदोलन। भगवान राम के भक्त निभाएं अपना दिया हुआ वचन। ये सब बोला है सोनम वांगचुक ने, जो कि 21 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अब छोटी छोटी बच्चियों के हाथों उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 21 दिनों से चली आ रही अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। दरअसल लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने और उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक 21 दिनों से अनशन पर थे। उनके 21 दिनों के अनशन को छोटी बच्चियों के हाथों से जूस देकर उपवास पर विराम लगाया गया है। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे और मांगों के समर्थन में खूब नारेबाजी कर रहे थे। अब ये पूरा मसला है क्या, ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर सोनम वांगचुक 21 दिनों के अनशन पर क्यों बैठे हैं। 21 दिनों तक नमक और पानी पर जीवित रहने के बाद हड़ताल खत्म करने के बावजूद उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये आगे भी जारी रहेगी। अब आपको बता देते हैं कि आखिर इस आंदोलन को करने की असल वजह थी क्या और क्या कुछ कहा सोनम वांगचुक ने। उनका कहना था कि मैं लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और लोगों के राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा और जो ये मैंने एक अनशन शुरू किया है वो आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोग इकट्ठा हुए और महिला समूहों ने कहा कि वे अब इन मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू करेंगी। यानी कि सोनम वांगचुक ने तो अपना अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाने का जिम्मा महिलाओं ने उठाया है। उनके बाद फिर इसे अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इस अनशन को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। सोनम वांगचुक ने इस अनशन को लगातार जारी रखने की सोची है, क्योंकि उनका मानना है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल और राज्य का दर्जा देना ही चाहिए। इसके साथ ही कुछ अन्य मांग भी उनके द्वारा की जा रही है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि वांगचुक का अनशन 6 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक लगातार चला, लेकिन उनकी मांगों को अभी भी पूरा नहीं किया गया है। अब इसमें महिलाओं ने साथ दिया है और क्षेत्रीय लोग भी इस अनशन में लगातार शामिल हो रहे हैं। अब करते हैं कारगिल की बात। ये किसी से छिपा नहीं है या कहें कोई कारगिल के युद्ध को भूल ही नहीं पाया है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से किए जा रहे अनशन की। यानी कि एक तरफ सोनम वांगचुक का अनशन चल रहा है तो दूसरी तरफ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से अनशन किया जा रहा है। कारगिल में भी बड़ी संख्या में लोग अनशन में शामिल हो रहे हैं। सोनम वांगचुक के बाद अब लेह में बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई संगठनों की महिला प्रतिनिधि कभी भी अनशन शुरू कर सकती हैं। यानी कि ये एक विकराल युद्ध का रूप ले सकता है। बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज लद्दाख के लेह पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्ण राज्य सहित विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का साथ दिया और उनका पूरी तरह समर्थन भी किया है। इसके साथ ही अन्य आंदोलनकारियों ने इसके साथ ही उन्होंने जो दूसरे आंदोलनकारी थे उनसे भी मुलाकात की और उनसे इस आंदोलन का समर्थन मांगा और किया भी। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि हर देशवासी के हित के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। अब सवाल जो भी हो इसका जवाब और ये मांगें कब तक पूरी होती हैं ये तो आगे आने देखने वाली बात है, लेकिन प्रकाश राज का कहना था कि ये आंदोलन सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं है, सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के हित के लिए है।
उन्होंने आगे कहा कि पानी, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जो संघर्ष यहाँ किया जा रहा है उससे सभी को लाभ पहुँचेगा। वो किसी एक के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है, सारी जनता के लिए है। यही सरकार के कामों को गिनाते हुए प्रकाश राज ने कहा कि यह अनशन क्यों रखना पड़ा और सरकार की जो क्या वजह है जो इस अनशन को करने की जरूरत पड़ गई। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लद्दाख के लोगों की मांग पूरी नहीं कर रही है। अब जो इल्जाम सरकार पर लगाया गया है वो कितना सच है कितना झूठ ये तो नहीं जानते, लेकिन सोनम वांगचुक ने अनशन के 21वें दिन कहा था कि उनके साथ 350 लोग -10 डिग्री सेल्सियस में यहाँ रात के समय में भी डटे रहे और यहीं सोए और अनशन में उनका पूरी तरह साथ दिया। यहाँ दिन में 5000 के करीब लोग पहुंचे हैं। इस देश को ईमानदार, दूरदर्शिता और बुद्धिमान राजनेताओं की जरूरत है, न कि केवल अदूरदर्शी चरित्रहीन राजनेताओं की। अब ये किसके लिए टिप्पणी की गई है ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन निशाना साफ तौर पर सरकार पर किया जा रहा है कि आखिर लद्दाख को एक राज्य का रूप क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच रही हैं, क्यों वहां के लोग परेशान हैं। इस दौरान सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लद्दाख के लोगों से भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की अपील भी की है। इसके साथ ही उन्होंने शायद एक दूसरी तरह से उन पर तंज भी कसा, उन्होंने जिसमें कहा कि भगवान राम के भक्त हैं मोदी जी और भगवान राम के भक्त हैं और उन्हें प्राण जाए पर वचन न जाए कि उनकी शिक्षा का पालन जरूर करना चाहिए। यानी कि उनका कहना था कि जैसे कि राम कहते थे कि प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चलना चाहिए। अब देखा जाना बाकी है कि क्या सोनम वांगचुक का प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा, इससे कोई परिवर्तन होने की संभावना है या नहीं। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपका इस समय क्या कहना है। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए टुडे जुनून के साथ। धन्यवाद।